हद बकचोदी किया, खबर नहीं कौन हिसाब से लॉन्च किया। हेलो एंड वेलकम। क्या बोलती पब्लिक? तू बोलती पब्लिक। अरे यार ये तो सीखेगी नहीं यहाँ पे, मुझे जरूर बुला देगी। लेट मी का गेम है बॉस, ऐसे भी आजकल तो उसी का गेम चल रहा है सोशल मीडिया पे, है कि नहीं? Can we please start the game? तीन सवाल आपके सामने रखेंगे, हर सवाल के दो ऑप्शन होंगे, आपको अपना एक ऑप्शन लॉक करना है 10 सेकंड में, ये सोचते हुए कि पब्लिक ने क्या बोला होगा। सही दिया तो बल्ले बल्ले रिवॉर्ड देंगे आपके, नहीं तो कोई बात नहीं यार, मैजिक इरेजर लो और उसको सही करो, खत्म हो गई बात। शुरू करें। मैं तो कब से बोल रही हूँ। ऑलराइट, अच्छा एनी ये बता, यू आर अ 90s किड या फिर 2000? 2000 ऑल द वे। पता तो लगता है मुझे यार, सभी यार इसके अंदर रोमांस नहीं है, वो वाला जो होना चाहिए यार, वो 90s का रोमांस, वो लैंडलाइन वाला रोमांस, मतलब माँ बाप का इंतजार होता था कब घर से जाएंगे, फिर गर्लफ्रेंड को मिस्ड कॉल देंगे, वो कॉल बैक करेगी। हाय हाय, तो चलो बॉस, इसी से जुड़ा हुआ हमारा सवाल आपके सामने है कि पब्लिक को कौन सा जमाना बेटर लगता है, 90s या फिर 2000? आपके 10 सेकंड शुरू हो गए बॉस। वैसे द ओनली गुड थिंग, एक लौती चीज जो 2000 जनरेशन की अच्छी है वो डब्बे वाला नोकिया। ओए क्या बैटरी थी भाई, कब चार्ज की थी मैंने, आज तक चल रही है। सेफ्टी के लिए भी अच्छा था, उठाया देखे मारा सर। लेकिन मेरे कहने से क्या होता है, पब्लिक क्या बोलती है वो देखते हैं। क्या बोलती पब्लिक? पब्लिक सेज 90s बॉस। लेकिन एक बात तो भाई सत्य है, 90s का बच्चा हो या 2000 का बच्चा हो, बॉलीवुड का जब गाना बजता है ना भाई, तो सब अपनी ऑक्स पे आ जाते हैं, पूरा देसी बन निकल के आता है बॉस। स्पेशली गोविंदा के गाने, राइट? ओहोए, इंटुकले गोविंदा भाई, चीची भाई, मतलब टोटली रॉकिंग। लेकिन यार अगर 90s में गोविंदा थे तो आज अपने पास रणवीर सिंह है ना यार, कलरफुल आदमी है यार, आई डोंट थिंक आई कैन पुल ऑफ दैट काइंड ऑफ स्टफ यार, मेरा तो विश्वास ब्लैक एंड व्हाइट में है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है बॉस, पब्लिक से पूछते हैं कि आप अपने आउटफिट में क्या प्रिफर करते हैं, कलरफुल कपड़े या फिर ब्लैक एंड व्हाइट। 10 सेकंड शुरू हो गए हैं दोस्त, बोला नहीं, लाइफ में कलर होना चाहिए, आई चूज कलर। अरे वो रणवीर सिंह है, वी कैन पुल इट ऑफ, लेकिन तेरे साथ तू नहीं समझेगी यार। देखो यार जनता, आई थिंक लाइक टू कीप इट सिंपल, नथिंग कैन बीट अ गुड ब्लैक एंड व्हाइट सूट। लेकिन फिलहाल पब्लिक क्या बोलती है? पब्लिक बोलती है कलरफुल कपड़े। नहीं कहा था ना, आई डोंट डिसएग्री विद दैट, बट नो एंड व्हाइट सूट में मैं जो डैपर लगता हूं ना यार, मतलब क्यों चर्च में शादी करनी है तुम्हें? आई एम ऑलरेडी मैरिड, आई एम टेकन बेबी। भैया जिसने कोविड में शादी की है वो प्यार असली है। क्या बोलती है? थोड़ा रिस्की नहीं है? अरे यार रिस्क है तो इश्क है, समझी कि नहीं भाई? देखो अब इस कपल को देखो, पीपी किट में शादी, ओहो मतलब सोचो आप क्या चल रहा होगा इनके अंदर। तो भैया शादी पे ही है अपना अगला सवाल, कंट्रोवर्शियल है ना, मैंने कहा ना रिस्क है तो इश्क है बाबा। तो बताओ कितने परसेंट लोगों को लगता है कि लड़कियों को अपना सरनेम शादी के बाद चेंज कर लेना चाहिए? 10 सेकंड शुरू हो गए यार। वैसे तो ये बहुत ही पर्सनल ओपिनियन वाला मैटर है, बट आई थिंक गर्ल्स शुड नॉट चेंज देयर सरनेम, अपनी आइडेंटिटी है कंटिन्यू रखो यार। 20-30%, आई थिंक 70-80%। बहुत गलत होने वाली है, मैं बोल रहा हूँ। देखो चल देखते